छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी बदले जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है, प्रभारी बदलने से कोई भी लाभ नहीं होगा। आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 11 सीटें बीजेपी जीतेंगी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दिल्ली दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई है। भेंट के दौरान प्रदेश में संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी, इन सब लोगों से मुलाकात हुई है। वस्तुतः ये सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। बहुत ही उत्साहजनक भेंट रही है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को मिलने वाला है।